एवरीवन, वेलकम टू शिखास किचन। मेरे वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एकदम नई तरह की स्नैक रेसिपी। हम बनाएंगे कॉर्न कबाब, या आप कह सकते हैं क्रिस्पी कॉर्न कटलेट्स। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कॉर्न कबाब या कॉर्न कटलेट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर लिए है 1 कप कॉर्न, पूरा 1 कप भर के मैंने स्वीट कॉर्न लिए है, और इसके साथ ही मैंने लिए है 4 बॉइल्ड आलू है, और इनको हमने छील लिया है और इसको हम मैश कर लेंगे 4 आलू को। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिए है ब्रेड स्लाइसेस, तो मैंने 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इनको मैं पीस के इसका ब्रेड क्रम बना लूंगी। साथ ही मैंने लिया है 1 टीस्पून जिंजर, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, अदरक को, 1 ग्रीन चिली को मैंने चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून मैं लूंगी फ्रेश धनिया, और 1 नींबू का जूस भी यूज करेंगे हम। और यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं, तो मैं हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, कलर के लिए डालेंगे हल्दी हम थोड़ी सी, और रेड चिली पाउडर लेंगे, सॉल्ट लेंगे, और लेंगे हम 1 टीस्पून चाट मसाला। और वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहे तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 गाजर है, कैरेट मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, 1 छोटी कैप्सिकम, शिमला मिर्च को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और यहाँ पर है 1/2 कप पीज है, मटर है, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्रेड स्लाइसेस को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं, और इनका हम ब्रेड क्रम बना लेते हैं। हमने अपने 4 to 5 ब्रेड स्लाइसेस को पीस के उसका ब्रेड क्रम बना लिया है, और अब हम अपने स्वीट कॉर्न्स को डालेंगे मिक्सी के जार में, और इसको हम पीस लेंगे फ्रेंड्स। और इसको हमें मोटा मोटा पीसना है, इसको हमें बारीक पेस्ट नहीं बनाना, और इसको पीसते समय हमें इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, इसको बिल्कुल ड्राई पीसना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कॉर्न्स को पीस लिया है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रफ पीसा है मैंने इसको, आपको कुछ दाने भी नजर आ रहे होंगे इसमें कॉर्न्स के, और बहुत ही मोटा मोटा पीसना है इसको, रफ एकदम। और जब हम पीसते हैं इसको तो बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है इसमें, एकदम ड्राई पीसना है इसको। तो हमारा ब्रेड क्रम भी तैयार हो गए हमारे, और कॉर्न्स हमने मोटे मोटे पीस लिए हैं इस तरह से। तो आइए हम अपने आलू मैश कर लेते हैं। तो अपने आलू को मैश कर लेते हैं, और इसके लिए हम एक बड़ा बोल लेंगे जिसमें कि हम सारी चीजें मिक्स कर सकें अपनी। बहुत अच्छी तरह मैश करना है आलू को, या आप चाहें तो इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं। मैं इसको इसी तरह से मैशर से मैश कर लेती हूँ। तो लीजिए, हमने अपने आलूओं को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है, एकदम मैश कर लिया है इसे हमने। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपने कॉर्न्स जो हमने पीसे थे, मोटे मोटे रफ पीसे हुए थे हमने, अपने कॉर्न्स ऐड कर देंगे इसमें हम, और साथ में ऐड कर देंगे आप कुछ वेजिटेबल्स। आपको कॉर्न्स में कुछ दाने नजर आ रहे होंगे, तो ये इसे हमारे कटलेट्स और भी अच्छे बनेंगे। अब हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स, ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, कैप्सिकम ऐड कर दूंगी, कैरेट भी ऐड कर देती हूँ मैं, कसी हुई गाजर है, और थोड़ी सी मटर ऐड कर देंगे बॉइल्ड। तो हमने इसमें उबले हुए आलू, कॉर्न्स और सब्जियां ऐड कर दी हैं। सब्जियां अपनी चॉइस की, आप कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, अनियंस ऐड कर सकते हैं, या जो भी सब्जी चाहे ऐड कर सकते हैं, या आप सब्जियां अवॉइड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो सिर्फ आलू से इसे बना सकते हैं, आलू और कॉर्न से। तो अब इसमें ऐड कर देती हूँ मैं धनिया, अदरक और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया, ग्रीन चिलीज ऐड कर दी, और जिंजर, कसी हुई अदरक भी ऐड कर दी मैंने इसमें। धनिया, हरी मिर्च और अदरक ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, और साथ में मैं ऐड कर दूंगी इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैं ऐड करूंगी बस थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ बस कलर के लिए, ताकि कलर अच्छा मिले हमारे कटलेट्स को। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर, ये भी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें ऐड करेंगे हम सॉल्ट, यानी कि नमक ऐड करेंगे। तो नमक मैं ऐड करूंगी इसमें कम से कम 1.5 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो 1.5 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर दिया मैंने। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, पूरे 1 नींबू का रस इसमें ऐड कर देते हैं हम, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, बॉइल्ड आलू, कॉर्न्स और सारी सब्जियां ऐड करने के बाद हमने मसाले ऐड किए, और अब हम ऐड कर रहे हैं फाइनली इसमें हमारे ब्रेड क्रम्स। इससे हमारे कटलेट्स को बाइंडिंग मिलेगी, और या आप चाहें तो आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, या आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ब्रेड क्रम्स यूज कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। तो ब्रेड क्रम्स हम सारे मिक्स कर देते हैं इसमें। अब इसको हम अपने क्लीन हैंड से अच्छी तरह से मैश करके मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा कटलेट का मिक्सचर तैयार हो गया है, और अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप इसको
थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर इसमें सॉल्ट कम है या लेमन जूस की जरूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। और अब हम अपना सा हल्का सा अपने हाथ में ऑयल लगा लेंगे इस तरह से, और अब हम एक पोर्शन लेंगे और इसको इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए मैंने ओवल शेप दी है इस तरह से, आप चाहें तो टिक्की की तरह बना सकते हैं या राउंड शेप बना सकते हैं, इस तरह से शेप बना लूंगी मैं इसकी। तो इस तरह से हम अपने कटलेट्स को बना के रखते जाएंगे, आप कोई भी शेप दे सकते हैं इन्हें, और आप चाहें तो इनको हल्का सा रोल कर देंगे अगर आप, तो और भी स्मूथ हो जाएंगे ऊपर से इस तरह से रोल करके। देखिए और भी शेप्स की अच्छी हो जाएगी साइड से इस तरह से। इस तरह से ये और भी अच्छी शेप में हो जाएंगे रोल करने से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कटलेट को तैयार कर लिया है, और ऑयल भी हमारा अच्छा तेज गरम है इस समय, और हमें इसे तेज गरम ऑयल में ही फ्राई करना है। तो अपने कटलेट को डाल देंगे इसमें आराम आराम से। हमें इसे तेज गैस पे ही फ्राई करना है। तो इसे शेक करते जाएंगे और डालते जाएंगे। जब तक हमारे कटलेट फ्राई हो रहे हैं, हमने अपने और कटलेट भी तैयार करके रखी हुई है इस तरह से, और बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और अब इसको हम हल्का सा टर्न कर सकते हैं, थोड़े से फ्राई हो गए हैं ये, और उनको पहले एकदम टच नहीं करना है नहीं तो टूट जाएंगे ये। तो उसके बाद जब थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो इनको हल्का हल्का टर्न कर देंगे इस तरह से। और अगर आपको लगे कि आपके कटलेट टूट रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा और ब्रेड क्रम ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, या इसमें आप जैसे मैंने कहा कि चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो हम सारे कटलेट्स में टर्न कर लेते हैं। तो एक साइड से फ्राई हो गए हैं तो इनको हम हल्का हल्का से टर्न कर देंगे इस तरह से, और हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपके कटलेट्स टूट रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको इसमें ब्रेड क्रम्स और ऐड करने हैं, और अगर आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम की जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं, या आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो हम इनको इस तरह से एकदम गोल्डन फ्राई करके निकाल लेते हैं कि इस तरह से हम अपने सारे कटलेट्स निकाल लेते हैं। और हम बाकी भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया है मेरा बहुत ही टेस्टी कॉर्न कबाब, या आप कह सकते हैं क्रिस्पी कॉर्न कटलेट्स, और ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सेहतमंद रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।